देखे ना, जो हमारा सुलूक अपने भाइयों से है ना, हम बहुत अच्छा समझते कि हम अपने भाइयों से बहुत अच्छा करें, मगर नबी अलैहिस्सलाम उससे बेहतर सुलूक अपने एनिमीज से करते थे कि दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चादर, दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चादर, हुस्ने इखलाक से गैरों को भी अपना करना। यही तरीका था नबी अलैहिस्सलाम का कि गैर भी नबी अलैहिस्सलाम पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गए। मगर अफसोस कि हम उस दौर में रह रहे हैं, हम उस दौर में आ गए हैं जहाँ हर तरफ बुक्स, झगड़े, नफरत है, जहाँ इंसान अपने मफाद के लिए मजहब को ढाल बनाकर खूनरेजी पर उतर आता है। ऐसा दौर कि जिसके बारे में इफ्तिखार आरिफ फरमाते हैं, और ये हम सब की बात है, किसी गैर की बात नहीं है, हमारे करेक्टर पर सवाल है कि कभी अखलाक से नालों के जवाब आते थे, कि कभी अखलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अखलाक से खौफ आता है। और रहमत सैयद लोलाक पे कामिल ईमान, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, रहमत सैयद लोलाक पे कामिल ईमान, और उम्मत हम सब रहमत सैयद लोलाक पर कामिल ईमान, और उम्मत सैयद लोलाक से खौफ आता है। हमें ये चीज समझनी होगी कि हम किस नबी की उम्मत है जो ताइफ के मैदान में पत्थर बरस रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम आने वाले नस्लों के लिए दुआ फरमा रहे हैं। कोई उन पर ओजरी फेंक रहा है, वो हरम शरीफ में नमाज अदा कर रहे थे, मुशरिकीन आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओजरी फेंक जाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भार था उस ओजरी का कि वो सजदे से ऊपर आने के लिए उनको मुश्किल पैदा हो रही थी, और सैयदा फातिमा आती हैं और फिर वो उस ओजरी को साइड करती हैं, उनके आंसू नबी अलैहिस्सलाम की गर्दन पर पड़ रहे होते, नबी अलैहिस्सलाम पलट कर जवाब क्या देते हैं, क्या अब्दे मन, ए औलादे अब्दे मनाफ, ए आले अब्दे मनाफ, तुम्हारा ये क्या सलूक है तुम्हारे पड़ोसी से। देखिए बस इतनी सी बात, और सैयदा फातिमा की दिलजोई करते हैं, उनको आसरा देते हैं कि फातिमा तुम गम ना खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। ये रिस्पॉन्स था नबी अलैहिस्सलाम का। और फिर ऐसे दौर में, ये तो एक मुश्किल जो हम अंदर क्राइसिस चल रहे हैं हमारे बीच में ही, हमारे इखलाक में ही, और वहीं दूसरी तरफ इस्लाम को इस दौर में 1400 साल की तारीख में इससे ज़्यादा कभी भी इतना मिस इंटरप्रेट नहीं किया गया। ऐसे दौर में हम सबका फ़र्ज है कि हम इस्लाम को पढ़ें, समझें और अमल करें, और दुनिया को ये बताएं कि इस्लाम मोहब्बत है, इस्लाम अमन है, इस्लाम इंसाफ है, इस्लाम और नफरत, इस्लाम और फितना, और इस्लाम और इनजस्टिस साथ साथ नहीं चल सकते। और इसी